विश्व हिंदू परिषद सुंदरनगर इकाई ने सिनेमा चौक पर प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा की अगुवाई में सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर लेखराज राणा ने कहा कि आज सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया है कि कोई भी समाज का भाई बंधु चीन से निर्मित वस्तु की खरीद फरोख्त नहीं करेगा और राखी दिवाली सहित अन्य त्योहारों पर भी किसी भी सूरत में चीन से निर्मित सामान को नहीं खरीदेगा और चीन सामान का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां कहीं पर भी चाइना मार्केट है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने की सरकार से मांग की है। इस अवसर पर विधायक राकेश जम्वाल के माध्यम से हिमाचल सरकार को मांग पत्र भी भेजा गया। जिसकी आज चीन भी गिनती नहीं बता रहा है, ऐसे लोगों की चीन के सैनिकों की गर्दन मरोड़ करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ करके उनको भी नाले के अंदर फेंक दिया। हमारी सेना का पराक्रम चीन को समझ में आ गया, जिसके कारण से आज चीन जो है वो दुम दबा करके वापिस जा रहा है। आज उन सैनिकों के प्रति, उन सैनिक परिवारों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि यह देश, इस देश की सीमा पर लगे हुए हमारे सैनिकों के साथ है, सैनिक परिवारों के साथ है, उनके प्रति हम लोग अपना यह भाव व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमने यह निर्णय लिया है कि जब यह चीन हमारी सैनिकों के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण करता है, अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण हमारे देश के अंदर घुसने का प्रयास करता है, तो हम चीन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे। इसी के अंदर हमने तीन तरह से ऐसा प्रयास करने का सोचा है। पहला प्रयास तो यही है कि हम सब कार्यकर्ता अपने संकल्प लेंगे कि अपने घर के अंदर चीन का बना हुआ सामान जो है वो धीरे धीरे बाहर जाएगा, नया चीन का सामान हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, चाहे वो छोटा सामान है चाहे वो बड़ा सामान है। हाँ, जो खरीद लिया है उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारा ही पैसा लगा है। लोग कहते हैं, हम 90 के अंदर भी हमने एक स्वदेशी जागरण अभियान चलाया तो लोग कहते हैं कि तुम लोग चलाते हो, सरकार क्या करती है। लेकिन हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि इस समय सरकार भी इस अभियान को चला रही है। भारत सरकार ने भी 59 जो एप्लीकेशंस थी चीन की ऐप्स, उनको बंद कर दिया, उनको बैन लगा दिया। हमारे कुछ वो चीन के यार यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर चीन के समर्थक भी अपने देश के अंदर हैं, वो 1962 के अंदर भी थे जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया।